बेटा तो आपने हमारा देख लिया, अपनी बेटी भी तो बुलवाइए। हाँ जी बहन जी, अभी बुलाते हैं। हर्षिता, बैठो। ये क्या, आपकी बेटी लंगड़ी है? मम्मी आप मुझे कहाँ लेके आए हो, और मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं इस लंगड़ी से शादी करूंगा। ओह गॉड, अगर हमें ये बात पहले पता चलती कि ये लंगड़ी है तो हम ऐसे घर में रिश्ता कभी नहीं लेकर आते। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात तो सुनिए एक बार। अरे क्या बात सुनो, इतना बड़ा धोखा, इतनी मीठी मीठी बातें करती रही आप, तब ये नहीं बताया कि आपकी बेटी लंगड़ी है। देखिए आप गुस्सा मत करिए, एक बार सुन तो लीजिए। हम ऐसे घर में रिश्ता कभी नहीं करेंगे। ठीक बोल रही है बेटा तू, ये रिश्ता हम हरगिज नहीं करेंगे। देखिए आप लोग इस तरह से रिश्ता तोड़कर मत जाइए, वरना मेरी बेटी की बहुत बदनामी हो जाएगी। ठीक है आप इतना बोल रही हैं, तो फिर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अगर आप चाहती हैं कि हम यहाँ से रिश्ता पक्का किए बिना ना जाएं, तो आपको हमें दहेज देना होगा। दहेज? क्या देना होगा दहेज में? ज्यादा कुछ नहीं, बस 60 लाख कैश और एक फ्लैट दे दीजिए। ये सब देने के बाद तो आप रिश्ता पक्का कर लेंगे ना? जी, आप जैसे ही दहेज के लिए हाँ बोलेंगी, समझे रिश्ता पक्का। लेकिन मम्मी ये तो गलत बात है ना, और आप लोगों को नहीं पता कि दहेज लेना कानूनी जुर्म है। मैं आप लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करा सकती हूँ। देखो ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, तुमने कभी अपने आप को देखा है? आखिर तुझ जैसी से कौन शादी करेगा? तुम जैसी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जैसी मतलब तुम जैसी लंगड़ी, समझी तुम? और तुम्हें तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम जैसे हाई क्लास लोग तुम जैसे लोगों के घर में रिश्ता लेकर आए हैं। अगर आप इतने हाई क्लास लोग हैं तो अपने बेटे की शादी किसी हाई क्लास लड़की से करा दीजिए ना, क्यों लेके आए हैं यहाँ पे रिश्ता? बहन जी यही सिखाया आपने इसे, बड़ों के सामने इस तरह से जबान चलाना? देखिए आप चिंता मत करिए, मैं इसे समझा दूंगी, ये दोबारा ऐसा नहीं करेगी। देख बेटा चुप हो जा, तू भगवान के लिए चुप हो जा। बेटा देख, आज अगर तेरा ये रिश्ता नहीं हुआ ना, तो पता नहीं तेरा रिश्ता कैसे होगा फिर। हाँ सही तो कह रही है आंटी जी, वैसे भी इतना अच्छा रिश्ता आया है, ऐसे रिश्ते बार बार थोड़ी ना आते, और तुम इस रिश्ते को ठुकरा रही हो। इतना अच्छा रिश्ता? अरे आप लोग सामने से दहेज मांग रहे हैं और अपने आप को अच्छा कहते हैं, शर्म नहीं आ रही है गिरी हुई हरकत करते हुए? तेवर तो देखो जरा इसके, बोल तो ऐसे रही जैसे पता नहीं कहाँ की हूर की परी हो। अरे जो तुमसे भी ज्यादा सुंदर और अच्छी लड़कियां है ना, संस्कारी लड़कियां, वो भी इतना मुंह नहीं खोलती हैं जितना कि तुम मुंह चला रही हो। माँ चलो यहाँ से, मुझे ऐसे घर में इस्तेमाल नहीं करना जिनको बोलने तक की तमीज ना हो। हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें नहीं करना इस घर में रिश्ता, चलो चलते हैं। ठीक कह रहे हो तुम लोग, हमें यहाँ रिश्ता नहीं करना है, चलो। अरे आप लोग क्या इस रिश्ते को ठुकराएंगे, मैं आपके रिश्ते को ठुकराती हूँ, और आप लोग बोलते भी ना तो भी मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती। तेवर देख रही हैं आप इसके, ये लड़की ना कहीं का नहीं छोड़ेगी आपको, और इसका रिश्ता तो कहीं होने से रहा। जा रहे हैं हम लोग, और कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे। अरे इस जैसी लड़की के साथ मैं अपने हीरे जैसे लड़के की शादी कभी नहीं करूंगी। देखिए आप लोग बुरा मत मानिए, अपनी बेटी की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। अरे मम्मी आप क्यों माफी मांग रहे हो, गलत तो ये लोग कर रहे हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं, और आप चुपचाप सुने जा रहे हो और इनकी सारी डिमांड पूरी करने के लिए रेडी हो गए हो। कैसी गरीब लड़की है, और आप कैसी माँ है, आपका अपनी बेटी पे कंट्रोल नहीं है क्या? कंट्रोल नहीं कर सकती मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी कोई कठपुतली है जो मैं उसे कंट्रोल करूंगी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को घटिया और गिरी हुई बोलने वाली? अरे मैं तो समझी थी कि सिर्फ बेटी पागल है, यहाँ तो माँ भी पागल है। हाँ मैं पागल हूँ, बिल्कुल पागल हूँ, तभी तो अपनी इतनी काबिल बेटी का रिश्ता तुम्हारे इस नकारा बेटे से करने चली थी, और दहेज देने के लिए भी तैयार हो गई। माना कि मेरी बेटी के पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन लंगड़ा होने के बावजूद भी वो कमजोर और मजबूर नहीं है, वो जो कुछ भी अपनी जिंदगी में करना चाहती है ना, ये तो उसके लिए छोटी सी परेशानी है। खैर छोड़ो, तुम जैसे लोगों से इस तरह की बात करना बेकार है, क्योंकि तुम्हारे जैसे छोटी सोच के लोगों को ना ये बात कभी समझ नहीं आ सकती। मानना पड़ेगा आप लोगों को, इतना कुछ सुनने के बावजूद भी आप लोग बेशर्मों की तरह यहाँ खड़े हुए। चलिए जाइए यहाँ से, और हाँ आगे से ना इस चीज को ध्यान में रखिए कि किसी की कमी को उसकी कमजोरी मत समझिए। निकलो। आपको पता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोग साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो जैसा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं उनके साथ भी वैसा हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। तो कभी भी किसी के साथ भी ऐसी कोई भी बिहेव ना करे, मिसबिहेव ना करे, गलत व्यवहार ना करे जिससे सामने वाले को हर्ट हो, उनको बुरा फील हो,
क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी नज़रों में भी गिरते हैं और उनको बहुत आप बुरा फील करवाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे एफबी पेज को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।